हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम कंपेयर करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस स्नैपड्रैगन 732G को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। स्नैपड्रैगन 720G की लॉन्चिंग डेट की अगर बात की जाए तो ये 20 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, और वही पर बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की तो ये 31 अगस्त को लॉन्च हुआ था। तो जहाँ तक बात की जाए लॉन्चिंग डेट के हिसाब से तो स्नैपड्रैगन 732G ये एक थोड़ा आप न्यू चिपसेट कह सकते हो। वही पे बात की जाए सीपीयू की तो स्नैपड्रैगन 720G की अगर बात की जाए तो एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। और वही पे बात की जाए इसकी कोर्स की तो इसमें आपको क्रियो 465 यूज़ किया गया है। क्रियो की अगर बात की जाए तो ये कॉर्टेक्स ही है, पर स्नैपड्रैगन इसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके देता है जिसके लिए ये बेटर परफॉर्मेंस देने लगते हैं। बात की जाए कोर्स की तो इसमें दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 वाले 2.3 GHz पर क्लॉक किए गए हैं, और वही पे 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक किए गए हैं। तो जहाँ तक बात की जाए ओवरऑल कॉर्टेक्स A76 की तो ये परफॉर्मेंस कोर्स माने जाते हैं, और वही पे बात की जाए कॉर्टेक्स A55 की तो ये एक बैटरी एफिशिएंट कोर्स माने जाते हैं। बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की तो ये भी एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, और इसमें आपको अपग्रेडेड क्रियो 470 चिपसेट यूज़ किया गया है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको 2 कोर्स कॉर्टेक्स A76 वाले 2.3 GHz पे क्लॉक किए गए हैं, और 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक किए गए हैं। तो जहाँ तक बात की जाए सीपीयू की तो सीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 732G थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्रियो 470 यूज़ किया गया है। आगे बात की जाए इन दोनों चिपसेट्स की कैमरा सपोर्ट्स की तो स्नैपड्रैगन 720G की अगर बात की जाए तो इसमें आपको अप टू 192 MP का कैमरा सपोर्ट आता है, और वही पे इसमें आपको 16 MP का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वही पे बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की तो इसमें भी आपको 192 MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट आता है, और इसमें आपको अप टू 22 MP का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जहाँ तक बात की जाए कैमरा सपोर्ट्स की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 732G थोड़ा आगे देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बात की जाए इमेज सिग्नल प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 720G की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्पेक्ट्रा 350L का इमेज सिग्नल प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और वे पे स्नैपड्रैगन 732G की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्पेक्ट्रा 350 का इमेज सिग्नल प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बात की जाए वीडियो सपोर्ट ऑप्शंस की तो इन दोनों ही चिपसेट्स में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है एट 30 FPS। वही पे बात की जाए ग्राफिक्स की तो इन दोनों ही चिपसेट्स में आपको एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिल जाता है, पर स्नैपड्रैगन 732G की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 15% फास्टर स्पीड देखने को मिल जाता है कंपेयर टू 730G। तो जहाँ तक बात की जाए ओवरऑल GPU की तो GPU के मामले में 732G आगे निकल जाता है, क्योंकि ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगा। वही पे बात की जाए आगे डिस्प्ले रिजोल्यूशन सपोर्ट्स की तो स्नैपड्रैगन 720G की अगर बात की जाए तो इसमें आपको अप टू फुल HD+ रिजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है एट 90 और 120 Hz। और वही पे बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की तो इसमें आपको अप टू क्वाड HD+ का रिजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये भी आपको 90 और 120 Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर देता है। बात की जाए रैम सपोर्ट्स की तो इन दोनों ही चिपसेट्स में आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट देखने को मिलता है एट 1866 MHz, और इन दोनों ही चिपसेट्स में आपको अप टू 8GB तक का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वही पे बात की जाए AI इंजन की तो स्नैपड्रैगन 720G में आपको क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट 5th जनरेशन वाला क्वालकॉम AI इंजन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, और इसमें आपको हेक्सागन 692 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। वही भी बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की तो इसमें आपको क्वालकॉम का 4th जनरेशन वाला AI इंजन देखने को मिलता है, और इसमें आपको हेक्सागन 688 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो जहाँ तक बात की जाए ओवरऑल AI इंजन की तो यहाँ पे आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट 5th जनरेशन वाला AI इंजन देखने को मिलता है। आगे बात की जाए प्रोसेस टेक्नोलॉजी की तो इन दोनों चिपसेट्स में आपको 8 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो कि एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, और ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल दे पाती है। वही पे बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन्स की तो इन दोनों ही चिपसेट्स में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात की जाए चार्जिंग टेक्नोलॉजी की तो स्नैपड्रैगन 720G में आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और वही भी बात की जाए 732G की तो इसमें आपको क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि
इसमें आपको एक बढ़िया चीज़ मिल जाती है। तो फाइनली बात की जाए कंक्लूजन की, तो स्नैपड्रैगन 720G आपको AI इंजन में आगे देखने को मिल जाता है, और वही बात की जाए 732G की, तो ये आपको CPU और GPU के मामले में आगे देखने को मिल जाता है, और आप स्नैपड्रैगन 732G को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।